खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज योगा डे है, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज योगा डे के अवसर पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो न सिर्फ कई वर्षों से अलग अलग जगहों पर जाकर योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि वो योग सिखा भी रहे हैं। चाहे वो हिमाचल की ऊंची पहाड़ियां हो, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, हर जगह वो जाते हैं जहां योग सिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहां योग सिखाते हैं, प्रसार प्रचार करते हैं। आज मेरे साथ हैं योग गुरु सत्यनारायण यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे, आज योगा डे है और आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लोगों के लिए। और योग एक ऐसी चीज़ जिसने कई पुरानी बीमारियों को ठीक किया है, उसका मर्ज बना है। योगा डे है आज, कोई सबसे पहले एक संदेश मैं चाहूँगा आप दर्शकों को दे आज। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जो योग ऋषि मुनियों तक सीमित रहता था, आज धीरे धीरे आधुनिक युग में एक थेरेपी के रूप में, चिकित्सा पद्धति के रूप में कारगर और सिद्ध हो चुका है। पूरा विश्व का जन जन ये जान चुके हैं कि योग अच्छी चीज़ है। करना और कर पाना सबके लिए अभी संभव नहीं हुआ है, इसीलिए प्रयास किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो पूरे विश्व में यूनियन ने भी स्वीकार किया, आज स्वीकार किया है, और इसीलिए आज पूरा विश्व योग दिवस मनाता है हर वर्ष 21 जून को। तो यह मैं सबको बधाई देता हूँ। यह एक योग न केवल स्वस्थ रखेगा, बल्कि हमारे आचरण को, विचारों को, भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचाएगा, जो एक औषधि के रूप में जीवन में पूर्णता देगा। सत्यनारायण जी, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, भारत इससे ग्रस्त है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और फिर बाबा रामदेव आते हैं और कहते हैं कि पतंजलि ने इसकी दवाई निकाल ली है। क्या आप मानते हैं कि औषधियों में, जड़ी बूटियों में, योग में इतनी ताकत है कि इस महामारी को हराया जा सकता है? देखिए, बीमारी कब आती है? बीमारी आती है जब हम कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं या अनजाने में संक्रमण हो जाता है, कोई भी कारण हो। ऋषि मुनियों की विद्या, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी बीमारी से लड़ने या किसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता है। अब इस पर जब तक प्रमाणिक कोई सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक हम पहले से कहना ठीक नहीं है, लेकिन संभावना पूरी है कि इसमें हैरान होने की, आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर पाते हैं कि इस किसी ने औषधि का आविष्कार कर लिया है, तो ये संभव है कि ऐसा हो सकता है। पतंजलि से आचार्य जी सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने दवाई खोज ली है और वो दवाई जो है वो इम्यून सिस्टम को इतना बढ़ा देती है कि आप अपने आप ही जो है ये वायरस मर जाता है, तो आप उनकी स्टेटमेंट से सहमत हैं? देखिए, योग में, शास्त्रों में लिखा है कि प्रथमे रोग रहिता सर्वलोको प्रियोभवित, कि पहले साधना करने का पहला लाभ मिलता है कि आप रोग रहित हो सकते हैं। कोई बीमारी कैसी भी हो, तीन तरह की बीमारियां होती है, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और असाध्य रोग, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज एंड फैटल डिजीज। किसी भी बीमारी को रोकने की या ठीक करने की क्षमता योग में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो कोई अगर उसकी साधना को नियम के साथ करे, जैसे मैं अपना, दूसरे का तो मैं नहीं कह सकता कि मैं अब आज तक योग किया हूँ, मैं आज तक कोई एक क्रोसिन दवाई भी नहीं खाया हूँ। तो जब मैं स्वस्थ रह सकता हूँ योग से, इसका रहस्य और इसका श्रेय मैं योग को ही देता हूँ। योग प्राकृतिक चिकित्सा को मैं जीवन में उतारता हूँ, नियमों का पालन करता हूँ। तो जब मैं बिना बीमारी, बिना दवाई का, बिना बीमारी का जीवन बिता सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि दूसरा भी रह सकता है। तो इसमें कोई हैरानगी, कोई हैरान, आश्चर्यचकित होने की नहीं, विचार करने की ज़रूरत है कि कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है योग से, आयुर्वेद से। बहुत सारे योगा के आसन होते हैं जो बीमारियों को ठीक करते हैं, जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें कौन से पर्टिकुलर आसन होंगे जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, जिनसे अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है और इस महामारी को जो है मौत दी जा सकती है? देखिए, हमारा शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रयोगशाला है। जैसे प्रयोगशाला में तरह तरह के केमिकल, ड्रग्स और रखे रहते हैं, किसको मिला करके और दवाइयाँ बनती हैं, किसको कितना, किस अनुपात में दिया जाए, वैज्ञानिक लोग उसको मिलाते हैं। यही पाश्चात्य या आधुनिक या एलोपैथ का सिद्धांत है। हमारे योग में भी कहते हैं, आयुर्वेद में, कि हमारा शरीर एक प्रयोगशाला है। इसमें तरह तरह के एंजाइम्स, हार्मोन्स, केमिकल, रस, पदार्थ, तरल निकलते रहते हैं और बनते रहते हैं,
और प्रकृति उसका निर्माण करती है, उसका व्यवस्था की हुई है पहले से। हम अज्ञान में अनजाने में भी वो चीज़ करते हैं, लेकिन उसका माध्यम क्या है? उचित आहार, उचित विश्राम, उचित व्यायाम। तो व्यायाम की आहार की बात आपने की, मैं कह रहा हूँ कि योगासन कोई ऐसा हो जो लोग हर रोज करें और कोरोना उनसे दूर रहे। मैं वही कह रहा हूँ, व्यायाम भी है, तीन इसमें पिलर हैं, स्तंभ हैं, व्यायाम, विश्राम और आहार। आहार, व्यायाम और विश्राम, तीनों में संतुलन। तो व्यायाम में आसन आ जाता है, प्राणायाम आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा, आचरण आ जाएगा, आपका दिनचर्या आ जाएगी, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधश्च योगी नहीं दुखा। का मतलब योग का मतलब केवल आसानी नहीं है, योग में आपका आहार भी आता है, आचरण भी आता है, दिन भर आप क्या कार्य करते हैं और उसके बाद सोचते कैसा है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हार्मोन बनता है। हम अगर सोचेंगे या देखेंगे तो आंसू भी आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ देख लें तो गुस्सा भी आ सकता है, लालच भी आ सकती है, वासना भी आ सकती है, क्रोध भी आ सकती है, करुणा भी आ सकती है, बंधुत्व भी आ सकता है। तो देखने से, सुनने से, करने से, तो जब हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं और जैसा हम आचरण करते हैं, वो योग के ही अंतर्गत ही आता है। योग का मतलब केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं। तो जब हम योग कहते हैं ना जीवन शैली है, तो जब योग करेंगे यानी उचित आहार भी लेंगे, मौसम के हिसाब से किस मौसम में क्या नहीं लेना है, किस आयु में क्या लेना है, क्या नहीं लेना चाहिए, तो इसका ज्ञान पूरा योग में बताया गया है। उसका जो पालन करेगा कोई बीमारी नहीं आ सकती। चुनौती के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि मुझे बस, हाँ, सावधानी जरूर रखनी है कि जो बताया जा रहा है कि लोगों से मत मिलिए। हम जानबूझ के अगर भीड़ में जाएंगे या किसी संक्रमण से मिलेंगे तब तो बीमारी आ सकती है। तो हमें सावधानी पूरी रखनी है, मास्क लगा के जैसे रखना है और बचना है, साफ़ सफाई रखनी है और नियमों का जो चिकित्सक बता रहे हैं। एलोपैथ को भी हम नकार नहीं सकते, एलोपैथ भी हमारे लिए उतना ही लाभकारी है जितना कि बाकी पैथी। तो आधुनिक युग में जब सुविधाएं मिली है, डायग्नोस करना है या किसी संक्रमण को दूर करना है, एक्सीडेंट पे सर्जरी करना है, तो उसका भी अपना महत्व है। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें, बीमारी की तरफ हमारा लगे ही नहीं, पाला ही ना पड़े, उसके लिए योग आयुर्वेद चुनौती के साथ सामना कर सकते हैं। हो गए बचाव के तरीके। मान लीजिए किसी को हो गया कोरोना, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, लोग जा रहे हैं अस्पतालों में, लाखों रुपया जो उनसे वसूला जा रहा है, 5-5, 6-6 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। एज ए योग गुरु आप कुछ ऐसा तरीका क्या, जिस तरह से आप तमाम थेरेपी करते हैं, मर्ड थेरेपी हो गई आपकी, जो है स्टोन थेरेपी हो गई, क्या कोई ऐसी थेरेपी भी है जो लोग कोरोना पॉजिटिव आपके पास आ जाएं, आप उनको क्वारंटीन में रख के उनका इलाज कर पाएं? देखिए, अगर इमरजेंसी है कि कोई किसी को सांस नहीं आ रहा है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो पहले इमरजेंसी में चिकित्सालय में जाएं और उसके इमरजेंसी में ऑक्सीजन दें, जो भी ज़रूरत है उसको बचाएं। लेकिन जब इमरजेंसी से बाहर आ जाते हैं तब, यानी इमरजेंसी के लिए एलोपैथ है, इमरजेंसी में जैसे मैनेज हो गया उसके बाद लंबे समय तक ठीक रहने के लिए योग और आयुर्वेद है। प्राणायाम से क्या होगा कि सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी आएगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, सभी शरीर के रोम रोम में रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाएगी, फिर आजीवन स्वस्थ रहेगा। तो बीमारी की अवस्था में चिकित्सा, एलोपैथ का सहारा जरूर लीजिए, चिकित्सकों का सहारा लीजिए। योग गुरु सत्यनारायण यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तमाम वो जानकारियां दे रहे हैं जो आपके काम आएंगी। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग गुरु सत्यनारायण यादव जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सत्यनारायण यादव जी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप अलग अलग हिस्सों में जाएं देश के, वहाँ योग का प्रसार प्रचार करें, लोगों को योग सिखाएं? और हमने देखा है बेसिकली आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं हमेशा यही सोचता रहा कि हमारे जो गुरु जी थे स्वामी धर्मचार्य जी, वो कहा करते थे कि योग सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो तो अपने योग गुरुओं को घर तक बुला लेते हैं, आजकल यही देखा जाता है। लेकिन कई लोग गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं है या वहाँ जा नहीं सकते, जहाँ जैसे गांव के लोग हैं
या पिछड़े इलाकों के लोग हैं जहाँ कोई न योग सिखाता है, क्योंकि योगी जो सिखाने वाले उनको भी आजकल व्यवसाय के रूप में उनको भी रोजी रोटी चाहिए, तो देहात के लोग पैसे नहीं दे पाते हैं इसलिए वहाँ नहीं जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये होती है कि गाँव में, देहातों में, गरीब स्कूलों में, गरीबों में, या उस जगह पर जैसे हम हर विभाग में जाते हैं, चाहे सेना आर्मी बटालियन हो, चाहे बैंक हो, चाहे अनाथालय हो, चाहे अंध विद्यालय हो, चाहे चाहे होटल हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो, चाहे कॉलोनियाँ हो, गांव हो, बस्तियाँ हो, झुग्गियाँ हो, हम चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, चाहे रेगिस्तान हो, हर राज्यों में जाते हैं हर स्तर पर, और छोटा से छोटा कार्यक्रम झुग्गियों में भी जाके हम उनके साथ खूब मिलजुल के रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हम सेमिनार करते हैं, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हैं और छोटे छोटे जगहों पर भी जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि योग एक ऐसी साधना है कि एक सामान्य बच्चा भी करे 5 साल की आयु के बाद, और सामान्य व्यक्ति भी करे, मजदूर करे, किसान करे। हम गांव में जब जाते हैं, किसानों को जब बताते हैं, तो लोग सोचते हैं किसानों को योग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया और प्रयोग किया। अभी हम 30 गांव में एक साथ योगाभ्यास आज 7 से 8 बजे सुबह किया गया, और वो गाँव 30 जो बिल्कुल वंचित थे, जब जो कभी योग सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं, लेकिन हम जब देखते हैं तो महसूस किया कि बेचारे एक ही पोस्चर में झुके झुके कुदाल चलाते रहते हैं, या एक ही पोस्चर में वो चारा छांटते रहते हैं हाथ से, उनके पास अभी बिजली नहीं है उन गांवों में, या एक ही जब बोझा उठाना तो दिन भर बोझा ही ढोते रहते हैं, खेत से खलिहान में डालते हैं। तो यानी बेचारों को एक ही तरह की एक्सरसाइज करने से उनकी कमर दर्द हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, या ओला पड़ गया या पाला पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, आंधी आ गई, तूफान, बेचारे एक तरफ देखते हैं आंखों में आंसू आता है, पूरे साल की उनकी कमाई चली जाती है। तो उद्योगपति या शहर के लोग को तो हार्ट अटैक हो जाता है या हाई बीपी हो जाता है, उन बेचारों को ना हार्ट अटैक होता है ना हाई बीपी होता है, क्योंकि वो प्रकृति के शरण में रहते हैं और सरल भोजन करते हैं और ईश्वर में बहुत भरोसा करते हैं। तो हमने देखा कि वो एक ऐसी जगह पर ऐसी विचारधारा के हैं, उनकी सेवा किया जाए तो सच्चे मन में बेचारे उदास भी हैं, निराश भी हैं, कोई बेसहारा भी हैं। हम उनको योग जब कराते हैं तो देखा कि कमर दर्द ठीक हो गई, उनको सिर दर्द ठीक हो गया। तो इसी सोच करके हम गाँव में जब कराए हैं योग, तो वो लोग बहुत महसूस किए हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन किए थे जूम के द्वारा, 30 गाँवों को हम लोग हमने देखा, 30 जगह पर हमने योग टीचर और एक सहायक भेजा था, और सब जगह से ही हुआ है, उसका विवरण हम देंगे आपको डिटेल में। तो यह एक ऐसा पहला प्रयोग है कि 30 गांवों में एक साथ योग हमारी संस्था अर्चना आयोग ने आयोजित किया। तो अगर ये गांव के लोगों ने बहुत सराहा है, और तत्काल किसी को सिर दर्द था ठीक हो गया, किसी को कमर दर्द थी आराम हो गया, तो जब एक दिन में वो कह रहे हैं कि आराम हो गया, तो मैं समझता हूँ रोज़ अगर योगाभ्यास कराया जाए तो सच्ची सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। शहर के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, शिक्षित लोग हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता कि शहर में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, योग क्या होता है। बहुत खुश थे और बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, इसका सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है और योगियों को जाता है, जिन्होंने योग को उस पुरातन काल से लाते लाते आज आधुनिक युग में पहुँचाया है और गाँव गाँव तक आज योग जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें ये प्रेरणा मिली हमारे गुरु जी से, कि गुरु जी भी कहते थे ये इस योग को छोटे छोटे जगह पर पहुँचाओ, और वो बात मेरे दिमाग में कौंती रही, और यही सपना था कि मैं कोई ऐसी संस्था बनाऊंगा जिससे मैं पूरे विद्यालयों को, तो आज मेरी प्राथमिकता होती है जय जवान जय किसान मेरा स्लोगन है, कि जवानों यानी विद्यार्थियों को, छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, सरकारी हो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो चाहे छोटा स्कूल हो, स्कूलों को बच्चों से लेकर बड़ों तक, और सेना को, तीसरा किसानों को मैं फोकस करता हूँ, ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, बाकी तो दूसरा है महिलाओं को। मैं महिलाओं को 30,000 महिलाओं को हमने पिछले साल ट्रेनिंग दिया था बुलंदशहर में, परदादा परदादी स्कूल है उसमें लड़कियों को, और उनको सबको 1 महीना रह करके योग प्रशिक्षण के रूप में सबको प्रशिक्षित कर दिया। आज वो सारी बच्चियाँ अपने अपने परिवार को, अपने अपने दोस्तों को, कोई कहीं ना कहीं अपना रोजगार के रूप में उसको पालन कर रही हैं। तो योग की प्रेरणा मुझे स्वामी जी से मिली, धीरेमचारी जी से, और दूसरी प्रेरणा स्वामी रामदेव जी से मिली, कि वो भी गांव-गांव में जाके छोटे, आज पूरा विश्व योग के नाम से परिचित है, इसका सारा श्रेय स्वामी रामदेव जी को जाता है। तो ये थे मेरे साथ योग गुरु सत्यनारायण यादव जी, और इनके लिए मैं एक शायरी कहना चाहूँगा, मुझे इस मुकाम पर देखकर हैरान है हर कोई, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो आज जिस मुकाम पर ये हैं वो आज का मुकाम नहीं है, बल्कि कई वर्षों से, कई दशकों से वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें लगन के साथ काम कर रहे हैं, तब जाकर वो इतने हजारों लाखों लोगों को योग सिखा पाए हैं और इस मुकाम पे हैं कि हर कोई इनकी चर्चा करता है।
कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।